तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद आज व्लॉग आ रहा। भाई बारिश का मौसम चल रहा है जैसे वैनकूवर में, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यार बाहर अंदर जाना। तो आज हम जाएंगे डाउनटाउन वैनकूवर और आज वीडियो आएगी। आज करेंगे हम ऊबर ईट्स भाई, शाम देर रात तक करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि पूरे दिन रुक जाएँ। और चैलेंज ही मान लो कि अ डे इन वैनकूवर ऊबर ईट्स के लिए भाई। तो ये डेडिकेटेड वीडियो ऊबर ईट्स के लिए, देखते हैं कैसी डिलीवरी वगैरह आती है। आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा मेरे में, जो भी मैंने बताया डिलीवरी के बारे में, मेरा फर्स्ट डे था, ये मेरा सेकंड डे है, तो देख लेना भाई। तो भाई तुम्हारा भाई तैयार होकर निकल लिया भारगति, और मौसम देखो भाई बिल्कुल। तो भाई अपनी साइकिल ले कर निकल लिए और यहाँ से अभी बस लेते हैं 345 किंग जॉर्ज की, वहाँ से चलते हैं फिर वैनकूवर डाउनटाउन। बस साइकिल पे चल रहा हूँ अभी, बस यहाँ से बस लेके और मिलते हैं आपको स्टेशन पे। तो भाई डाउनटाउन वहाँ के साइकिल ले गए और ऑनलाइन आ गया मैं, अब देखते हैं जैसे भी ऑर्डर आते हैं बताता हूँ आपको। तो भाई ऊबर करते करते स्टैनले पार्क पहुंच गए, देखो मेरे पीछे वहाँ पे बोर्ड भी लग रहा है इसका, आगे की साइड थोड़ा दिखाता हूँ आपको। इतने लेख देख लो, इतने ऊबर के लिए जा रहा हूँ मैं थोड़ा, तो यहाँ से थोड़ा ही रहता डिस्टेंस, आगे की साइड आया थोड़ा, तो अभी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देख लेता हूँ पहले कैसे क्या कुछ है। देखो भाई वो तो बड़ा यार, ये आगे तक है, ये आगे सिटी आ गई 0.5 में। देखो ये हाईवे है, इसी से आया था मैं। फिर मैं स्टैनले पार्क से निकल लिया अपने ऊबर करने की साइड, अपनी सिटी की साइड। और स्टैनले पार्क बहुत अच्छी जगह भाई, अगर आप वैनकूवर की साइड आते हो तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। और हम चलते हैं अभी ऊबर करने अपने। मैंने हो यार ऑनलाइन आया, कम से कम 15-20 मिनट हो गए, अभी तक कोई डिलीवरी नहीं आई, बताता हूँ आपको जाके। तो भाई 7 बजे का टाइम हो गया, 2 बजे मैंने ऊबर स्टार्ट की थी, फ़िलहाल तक कोई डिलीवरी नहीं आई। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, मैं अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगा कि मैं कितने समय से मतलब ऑनलाइन हूँ आज, तो उससे भी देख लेना आप। तो नहीं है यार इतना काम नहीं है, मैंने वो वीडियो बनाई है उसके बारे में, वो देख लेना आप भाई। बैठे हैं अभी तो 1-2 घंटा और बैठेंगे फिर चलेंगे, करते हैं वेट, अगर कोई आती है तो बताता हूँ आपको मैं। पहला ऑर्डर आया आज पहले टाइम का, तो भाई मैं जाने ही वाला था अभी दो मिनट बाद, तो भाई ये ऑर्डर आ गया तो पिक कर लिया ये, अभी दे के आते हैं इसको, 1 किलोमीटर आगे दे के आना बस, चलते हैं चलते भाई, मिलता हूँ आपको ऑर्डर के साथ। तो भाई यहाँ पे देनी ही पहले डिलीवरी कैलेस्टा मैडम की थी, दे दी और सामने ही साइकिल रखी खड़ी अपनी। इस साइड आना था यार रोड क्रॉस करके, तो फिर मैं आ गया, उस साइड तो मिला नहीं, तो अपार्टमेंट था तो इसी साइड था वो, वहाँ पे साइकिल खड़ी है। और अब करते हैं भाई वेट, करते हैं देखते हैं अगर कोई आती है तो। अभी ये फर्स्ट डिलीवरी आई है भाई, अभी मैं जाने वाला था बस पूरे दिन में, बस यही आई है, अभी देखते हैं, चलो करते हैं थोड़ा वेट फिर मिलता हूँ आपको। भाई ये ऑर्डर तो ऐसे था कि बस मैं रेस्टोरेंट के बाहर बैठा था, बस ये आ गया और बस पिक करके अपने 300-400 मीटर देना है, बस यही था। $4.65 का था ये, कर दिया। अब चलते हैं अपने वापस वहीं पर लोकेशन पे, वहीं पे बैठते हैं या आगे पीछे जाएंगे फिर देखता हूँ। तो भाई सेकंड ऑर्डर और आ गया $8 का, दिखाता हूँ आपको, सामने ही है रेस्टोरेंट, मिलते हैं ऑर्डर लेके मिलता हूँ आपको। ऑर्डर पिक कर लिया, चलते हैं, अपनी साइकिल वहाँ पे खड़ी है, चलते हैं भाई ऑर्डर लेके, देखे आते हैं अपने गौरव भाई का, देखते हैं कौन है। 1 किलोमीटर आ गई है भाई ड्रॉप, चलते हैं चलो। तो भाई ऑर्डर ले लिया और मैं निकल गया साइकिल उठा के, अब इसको ड्रॉप करके आते हैं और दिखाता हूँ आपको फिर बाद में। भाई सिटी में सबसे बड़ा दुख ये है कि इसका रेड लाइट का,
ये सबसे ज़्यादा परेशान करती है ऑर्डर करते टाइम। एक क्रॉस करो दूसरी आ जाती है, दूसरी क्रॉस करो तीसरी आ जाती है, और ये तो हर 100 मीटर के गैप में लगा रखी है। हर मिनट के ऑर्डर में मान लो कि 15 मिनट लग जाती है इन लाइट्स लाइट्स के कारण सिर्फ। बाकी अभी आने लगे हैं यार ऑर्डर्स पूरे दिन में, क्योंकि आज थोड़ा स्लो था ऊबर, तो देखते हैं अभी क्या रहता है। सेकेंड ऑर्डर डिलीवर्ड कर दिया, और वो था भाई $8.06 का, और चलते हैं भाई अपने वापस वहीं पे, फिर मिलते हैं। यार फ़ोन की बैटरी रहती है 10% सिर्फ, 10 भी नहीं शायद, 8-9% है, और ऊपर से घर पे भी जाना है, और ट्रेन बस भी देखनी है फ़ोन पे, तो वो रहा यार बिल्कुल। पावर बैंक भी बंद भाई, पावर बैंक की बैटरी बिल्कुल ख़त्म, जिस टाइम पर बैटरी थी उस टाइम पर डिलीवरी नहीं आई, अब बैटरी ख़त्म हो रही है अब डिलीवरी आ रही है यार, देखो क्या रहता भाई, देखते हैं भाई। दोनों ऑर्डर डिलीवर कर दिए और अपने वापस लोकेशन पे आ गए, अब देखते कोई मिलता है नहीं, और फ़ोन की बैटरी भाई 8-9% रहती है, और देखना ये भी ट्रेनें भी देखनी है जाते टाइम, तो देखते हैं आज क्या रहता है। और क्वालिटी बताइए भाई 15 की कैसी है। तो भाई थोड़ा आगे पीछे घूमते हैं फिर, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, फिर उसके बाद चलेंगे यार, फ़ोन भी बंद होने वाला है 5-10 मिनट, देखो जितना भी निकालता है। चलते हैं थोड़ा 200-300 मीटर आगे की साइड, फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट रहती है, फिर उसके बाद अपना घर चलेंगे, फिर कल मिलता हूँ आपको, मतलब अभी तो है इस व्लॉग में। ये देखो भाई रियलिटी ऊबर की, ड्राइवर देखो कितने हैं, और भाई जो घूम रहे हैं वो तो घूम ही रहे हैं, जो डिलीवरी करके आ रहे हैं, देख लो कितनी भीड़ है भाई, कितनी भीड़ है, किसी चीज़ में स्कोप नहीं रहा कनाडा में अब। भाई आज की अपडेट के साथ आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि फ़ोन भी समाप्त होने वाला भाई, 1% बैटरी रहती है, पता नहीं ये वीडियो भी बनाते टाइम क्या पता बंद हो जाए, और घर पर भी जाना भी। तो भाई आज यही था, दो डिलीवरी आई और दो डिलीवरी आई थी और $12.66 बने आज पूरे दिन में, यही हुआ बस। और रात के टाइम आई, वो भी मैं जाने वाला था, 1-2 मिनट पहले ही आ गई, फिर वो दे के आने के बाद फिर 1-2 मिनट बाद एक और आ गई, तो यही दो डिलीवरी आई है भाई आज। और बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, बता दिया मैंने आपको जो भी था, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखो भाई अपना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आपके अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कर देना, वीडियो से रिलेटेड या ऊबर से रिलेटेड कुछ भी हो तो, और उसका ऊबर ईट्स का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी भाई ने अकाउंट ओपन करना हो तो।